वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन FAQ सीरीज। दोस्तों, आपके द्वारा मुझे जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देता हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अब हमारा Amazon का एफिलिएट स्टोर भी अवेलेबल है। वहाँ पे कुछ यूजफुल गैजेट्स और इक्विपमेंट लिस्टेड है। अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम ललित जोशी। उसका क्वेश्चन ये है कि जब वो अपने आईफोन के अंदर आई क्लाउड एक्टिव करते हैं तो उस टाइम पे मैसेज आ जाता है कि मैक्सिमम अकाउंट लिमिट पूरी हो गई है। यानी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आई क्लाउड एक्टिवेशन के रिलेटेड है। आपको पता ही होगा कि आईफोन के अंदर आप मैक्सिमम 3 अलग अलग एप्पल आईडी के अंडर में आई क्लाउड एक्टिव कर सकते हैं। तो आप जो आईफोन यूज़ करते हैं उसमें वो 3 अलग अलग एप्पल आईडी के थ्रू एक्टिव हो गया है, तो अब आप एक्टिव नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो एप्पल के कस्टमर केयर पे फ़ोन कर सकते हैं। जब भी आप वहाँ पे फ़ोन करेंगे तो ये पर्टिकुलर आपका जो डिवाइस रजिस्टर है उसमें से एक पुराना आईडी वो निकाल देगा, तो आप अपना नया आईडी बाद में आई क्लाउड के थ्रू एक्टिव कर पाएंगे। अगर आपको ये पर्टिकुलरली जो है झंझट में नहीं पड़ना है तो आपको करना क्या होगा कि आपके फ्रेंड में या तो फैमिली में किसी और के पास आईफोन है तो टेम्पररली आप उसके आईफोन में जाइए, अपना एप्पल आईडी उसमें डाल दीजिए, बाद में आई क्लाउड एक्टिव कर दीजिए। एक बार आई क्लाउड एक्टिव हो गया, बाद में आप अपने आईफोन में वो डालेंगे तो आई क्लाउड चालू हो जाएगा। मींस एक बार उसे एक्टिवेशन की ज़रूरत होती है, बाद में वो कोई भी आईफोन आईपैड वगैरह में आप एंटर कर सकते हैं। लेकिन पर डिवाइस उसकी लिमिट होती है कि एक डिवाइस के अंदर 3 अलग अलग आईडी ही एक्टिव हो सकते हैं। तो अगर आप फैमिली या तो फ्रेंड मेंबर में अगर किसी में ये पर्टिकुलर पूरे 3 यूज़ नहीं हुए तो उसमें जाके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम रोहित राज। उसका क्वेश्चन ये है कि उसके आईफोन में जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट होकर रुक गया है। यानी आपका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपके आईफोन के अंदर अपडेट की प्रोसेस शुरू हुई, वो आधी वगैरह हुई और उसमें इन बिटवीन वो रुक गई है। तो अभी तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आपके फ़ोन के अंदर सिचुएशन क्या है। मीन्स आपका जो फ़ोन है वो सॉफ्टवेयर में पूरा ब्रेक हो गया है, होम स्क्रीन ही नहीं आ रही है। तो आपको करना क्या होगा कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर विंडो या तो मैक के अंदर iTunes इंस्टॉल कर लीजिए, एप्पल का ही सॉफ्टवेयर है। बाद में एप्पल का जो ओरिजिनल केबल है उसे आपके आईफोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कीजिए, iTunes ओपन कीजिए और उसमें से आप उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए। मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बनाया कि कैसे आप कंप्यूटर के थ्रू अपना जो आईफोन होता है उसमें iOS अपडेट कर सकते हैं, तो वो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से डिटेल में देख सकते हैं। यानी जो कभी कभी यहाँ पे जो अपडेट वगैरह इन बिटवीन रुक जाती है तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा फ़ोन ब्रेक हो जाता है तो हमें कंप्यूटर के थ्रू ही उसे अपडेट करना होता है। लेकिन अगर डाउनलोड रुक गया है तो आप वाईफाई वगैरह को एडजस्ट करके उसे सेट कर सकते हैं, फिर से डाउनलोड शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम प्रताप वैगड़। उसका क्वेश्चन ये है कि आईफोन के अंदर क्रेडिट कार्ड नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं। यानी उसका क्वेश्चन है एप्पल आईडी के रिलेटेड। हमारे एप्पल आईडी के अंदर हमारा क्रेडिट कार्ड रजिस्टर होता है, अगर वो क्रेडिट कार्ड नंबर हमें चेंज करना होता है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो आईफोन के अंदर क्या होगा कि iOS 11 12 वगैरह होगा तो उसमें सेटिंग में कुछ में सेटिंग आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है चेंज करने का ऑप्शन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये चीज़ कंप्यूटर के ब्राउजर के थ्रू कीजिए। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो आपको एप्पल की जो वेबसाइट है उसे ओपन करनी है, उसका URL है appleid.apple.com। मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे रखी है। तो आप ये पर्टिकुलर appleid.apple.com ओपन कीजिए, वहाँ पे अपना एप्पल आईडी और पासवर्ड डालिए। यहाँ से आप अपना पूरा एप्पल आईडी मैनेज कर सकते हैं, उसके जो सिक्योरिटी क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी होती है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। सब कुछ एप्पल आईडी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज कर दीजिए, बाद में जो भी आईफोन आईपैड में आपने वो पर्टिकुलर एप्पल आईडी डाला है उसमें ऑटोमेटिकली वो नया कार्ड कन्फिगर हो जाएगा। कोई भी आप परचेस करेंगे तो नए कार्ड के थ्रू ही होगी, क्योंकि फ़ोन के सेटिंग्स में से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और कभी कभी मुझे भी वो सेटिंग नहीं मिलता, iOS अपडेट्स वगैरह आता है तो सेटिंग चेंज हो जाता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा बेस्ट वे ये है कि आप ये वेब ब्राउजर के थ्रू उसे क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम ललित जोशी। उसका क्वेश्चन ये है कि विदाउट नेट सीरी एक्टिव नहीं हो सकता, उसका रीज़न क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सीरी की पर्टिकुलर सर्विस है वो ही सर्वर बेस्ड सर्विस है। जब भी आप वगैरह एक्टिव करने की तो बात है, जब एक्टिव करते हैं उस टाइम पे तो नेट इंटरनेट या जो है वो पर्टिकुलर चालू होना ही चाहिए, क्योंकि आपकी वॉइस के जो सैम्पल्स वगैरह होते हैं वो एप्पल के सर्वर पर रजिस्टर होते हैं, बाद में उसके हिसाब से आपकी वॉइस वगैरह जो होती है वो आइडेंटिफाई होती है, एक्सेंट वगैरह आइडेंटिफाई होता है। तो जब भी आप फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर
रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं सीरी को, तो आपका जो वॉइस है उसके साथ सैंपल के साथ मैच किया जाता है और एग्जैक्ट वर्ड क्या है वो प्रेडिक्शन किया जाता है। तो ये पर्टिकुलर सर्वर बेस्ड सर्विस है, पूरी की पूरी जो सर्विस है वो आपके फ़ोन के अंदर नहीं होती, इसलिए सीरी एक्टिवेशन के टाइम पे इंटरनेट चालू होना चाहिए। और इनफैक्ट जब भी आप सीरी यूज़ करते हैं उस टाइम पर भी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे आप इंटरनेट ऑफ कर देंगे तो वहाँ पर मैसेज ही आ जाएगा कि सीरी नॉट अवेलेबल। तो ये पर्टिकुलर सर्वर बेस्ड सर्विस है, इसीलिए यहाँ पर इंटरनेट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम कल्याण धामी। उसका क्वेश्चन ये है कि जब उसने अपने आईफोन को iOS 12.2 में अपडेट किया, बाद में उसकी बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होने लगी और डेटा भी ज़्यादा यूज़ होने लगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम iOS को अपडेट करते हैं तो अपडेट हो जाने के बाद फ़ोन हमारा फर्स्ट टाइम चालू होता है तो बाद में कुछ बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ भी होती रहती है, कुछ फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर चेंज करना होता है, कुछ डेटा स्ट्रक्चर चेंज करना होता है, सिस्टम लेवल की कुछ एप्लीकेशन होती है iOS की इनबिल्ट, उसमें भी कुछ चेंजेस वगैरह करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी फोटो गैलरी होती है, मैसेजिंग एप्लीकेशन होती है, कैलेंडर होती है, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, उसमें कुछ सेटिंग्स नहीं आए होते, कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं, तो फ़ोन स्टार्ट होने के बाद भी बैकग्राउंड में वो काम करता रहता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमने iOS अपडेट कर दिया और हमारी बैटरी ज़्यादा ड्रेन होने लगी। लेकिन कभी कभी ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्पररी होता है, आपको एक दो दिन के बाद ये फिर से नॉर्मल हो जाता है। और आपको करना क्या होता है, एक दिन के बाद अपने आईफोन को रिस्टार्ट कर दीजिए, या तो फिर शाम को रिस्टार्ट कर दीजिए और बैटरी 100% चार्ज कर लीजिए। जैसे ये बैकग्राउंड एक्टिविटी हुई या तो फिर जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, सारी एप्लीकेशन को भी ऑप्टिमाइज करनी होती है नए वर्जन के हिसाब से, तो जैसे ही वो काम खत्म हो जाएगा तो आपका फ़ोन नॉर्मल हो जाएगा। दो तीन दिन के बाद आपको लगेगा कि नहीं ये नॉर्मल हो गया है, क्योंकि कुछ सिचुएशन में ये टेम्पररी होता है। अगर परमानेंटली ये होता है तो आप एप्पल के सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं और उसे आईट्यून्स के थ्रू उसे एक बार फॉर्मेट करवा सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट करवा सकते हैं, तो वो सिचुएशन में ये कभी कभी ये सॉफ्टवेयर का इश्यू होता है, वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम टैक्स अमित। उसका क्वेश्चन ये है कि उसके आईफोन में अपडेट रिक्वेस्ट पर अटका हुआ है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको इस सिचुएशन में करना क्या होगा, आपके आईफोन को आप एक बार रिस्टार्ट कर दीजिए और रिस्टार्ट करने के बाद वाईफाई, अगर आप 3G या 4G वगैरह डेटा पे हैं तो वो पर्टिकुलर डेटा बंद कर दीजिए और हाई स्पीड वाईफाई चूज़ कीजिए और बाद में वहाँ पे रिक्वेस्ट ऑन कर दीजिए। तो वो सिचुएशन में ये जो रिक्वेस्ट पे अटका है वो आगे चलेगा, एक बार अगर आप रिस्टार्ट कर दें तो शायद ये जो इन बिटवीन अटका है वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा और फिर से आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो आपको हाई स्पीड वाईफाई चूज़ करना है, बैटरी 100% होनी चाहिए और आपके आईफोन के अंदर कुछ स्पेस होनी चाहिए, तो जनरली ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं और जो अपडेट्स वगैरह होते हैं वो बहुत स्मूथली काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम फिर सिंह। उसका क्वेश्चन ये है कि आईफोन 6 में 10.2.1 iOS है, तो अगर उसे हम iOS 12.1.4 में करने से कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपका डिवाइस है अगर iOS 12 में सपोर्टेड है, तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसे iOS 12 में अपडेट कर दीजिए, क्योंकि iOS 10, iOS 11 के कंपैरिजन में iOS 12 के अंदर पुराने डिवाइस में परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा आता है। मेरे पास iPhone 6 Plus है, मैंने उसे iOS 12 में अपडेट कर दिया, परफॉर्मेंस एकदम अच्छी तरह से मिल रहा है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप जब भी iOS 10 में से iOS 12 में अपडेट करें तो थोड़ा एक दो चीज़ की कह लीजिए, तो मेरे से वो अपडेट की जो प्रोसेस है वो थोड़ी अच्छी होगी। सबसे पहले तो आप एकदम हाई स्पीड का वाईफाई इंटरनेट यूज़ कीजिए और बाद में उसे अपडेट कीजिए। अपडेट करने से पहले हो सके तो आपके आईफोन में जो भी फोटोज़ वगैरह वीडियो है उसका बैकअप ले लीजिए कंप्यूटर में, फ़ोन को थोड़ा खाली कर दीजिए, अननेसेसरी जो भी डेटा है एप्लीकेशन वगैरह उसे डिलीट कर दीजिए, बाद में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि आपके आईफोन के अंदर थोड़ी स्टोरेज स्पेस फ्री हो जाएगी, तो ये जो अपडेट्स की जो प्रोसेस होती है उसके लिए थोड़ी स्पेस फ्री होगी, तो वो अपडेट के टाइम पे जो भी टेम्पररी फाइल स्वैपिंग वगैरह करना होता है, अनजिपिंग करना होता है, वो सब ऑपरेशन थोड़े फास्ट होगी और अपडेट होने के बाद में भी आपका फ़ोन स्लो होने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि डेटा कम रहेंगे अपडेट के बाद में, जो भी आफ्टर अपडेट जो पोस्ट प्रोसेस होती है उसमें टाइम कम लगेगा, तो वो सब स्मूथली हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है कि कैसे आप अपने आईफोन का बैकअप व्हाट्सएप में ले सकते हैं, फोटो वीडियो ले सकते हैं, बाद में फ़ोन में से डिलीट कर दीजिए और बाद में उसे अपडेट कीजिए, बैटरी 100% रखने के बाद ही अपडेट की प्रोसेस शुरू कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम मिलन राठौड़, उसका क्वेश्चन ये है कि एप्पल वॉलेट क्या है, उसमें फीचर्स वगैरह क्या क्या थे, उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए या तो फिर वीडियो बनाएं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एप्पल वॉलेट जो है, जनरली हमारा जो वॉलेट होता है उसमें हम पैसे वगैरह रखते हैं, तो उसी टाइप का ये एक एप्पल का डिजिटल वॉलेट है जो आईफोन के अंदर होता है, एज ए एप्लीकेशन होता है। तो वो वॉलेट के अंदर हम हमारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या तो फिर हम कुछ बसेस वगैरह के पास होते हैं वो सब उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी ऐसी होती है कि वो एप्लीकेशन के अंदर से अगर हम कुछ पेमेंट्स वगैरह करते हैं तो हमारे वॉलेट में जो भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह होता है उसके थ्रू वो एक्सेस करके वो पेमेंट वगैरह ट्रांजेक्शन फिनिश कर सकती है। उसके लिए हमें हर एप्लीकेशन के अंदर हमारा क्रेडिट कार्ड वगैरह इन्फॉर्मेशन डालनी नहीं होती, हमारे जो क्रेडिट कार्ड का नंबर वगैरह जो इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहती है। और दूसरा एक यूज़ होता है, जैसे कुछ कंट्रीज़ के अंदर एप्पल पे का यूज़ होता है, तो जनरली हम कोई भी स्टोर वगैरह में जाते हैं अभी इंडिया में कहीं पे भी, तो मॉल पे जाते हैं तो हमें अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हैंड ओवर करना पड़ता है, वहाँ पे वो स्वाइप करते हैं या तो फिर वो मशीन में एंटर करते हैं, वो बाद में हमारा ट्रांजेक्शन होता है तो कार्ड हमारा दूसरे पर्सन के हाथ में चला जाता है। तो ये जो एप्पल पे है उसमें हमें हमारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कन्फिगर कर देना होता है और ये हमारा फ़ोन ही टच करना होता है जो एप्पल पे सपोर्टेड डिवाइस होता है। तो जैसे हम वहाँ पर टच करेंगे तो हमारा आईफोन के अंदर जो एप्पल पे का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो भी कार्ड है उसमें से पेमेंट ट्रांजेक्शन हो जाएगा और सामने वाले पर्सन को हमें अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड देने की भी जरूरत नहीं होगी। ये कुछ मेथड्स के लिए जनरली एप्पल वॉलेट का यूज होता है, बहुत ज्यादा इससे भी ज्यादा यूज है, लेकिन अभी इंडिया के अंदर ये पूरा का पूरा अभी एक्टिव नहीं है, यानी जो एप्पल पे वगैरह एक्टिव नहीं है और कुछ डिस्काउंट कूपन वगैरह भी इसमें कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन नहीं है। और थोड़ा इसकी वजह से अभी क्या कि इसे समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए अभी मैं इसका अभी वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन जैसे ये फुल्ली रोल आउट होता है तो मैं उसका एक प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन अभी इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ी ये बेसिक जानकारी दे दी है कि ये पर्टिकुलर एप्पल वॉलेट क्या है और कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे टैप कर दीजिए तो जब भी मैं चैनल पर नया वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके डिवाइस में उसका पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।